और राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत अर्थशास्त्र प्रवक्ता आप सभी का इस तीसरे दिवस में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की इस तृतीय दिवस में हम आगे की तरफ बढ़ें उसके पहले मैं ग्रुप नंबर बी से आग्रह करूँगा कि ग्रुप बी यहाँ आए, सर्वप्रथम मास सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें और उसके उपरांत लास्ट डे का जो सेशन का जो रिपोर्टिंग था वो आप प्रेजेंट करेंगे। तो आगे के लिए मैं ग्रुप बी को इनवाइट करता हूँ कि ग्रुप बी यहाँ आए और आगे की कार्रवाई सुनें। शुरुआत करते हैं, मैं सबसे पहले अपने ग्रुप के सदस्यों को आपसे कराना चाहूँगा कि चंद्र सिंह चिरान जी, श्री कवि वरपाल जी, श्री जगदीश प्रसाद और मैं राजेश कुमार। आज के दिन की गतिविधि को प्रारंभ करने के लिए सर मैं आग्रह करूँगा हमारे राज्य के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे राज्य के सचिव वक्ता डॉक्टर एम बी सिंह युवा संसद से, हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एन के चौधरी से दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। पर चर्चा की गई,
इस प्रकार प्रथम सत्र की समाप्ति हुई। की टाइम के बाद डॉक्टर एस के सिंह सर द्वारा SPSS सॉफ्टवेयर के प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई और लोगों के बाद चर्चा शुरू की गई। उसके बाद लंच का कार्यक्रम शुरू हुआ। द्वितीय सत्र के मैं बोर्ड कार्यालय से आए श्री शैलेंद्र डॉक्टर शैलेंद्र जोशी जी द्वारा स्वागत जी का स्वागत किया गया और डॉक्टर चंद्रशेखर जी द्वारा जोशी सर द्वारा बोर्ड के निर्देशों और गहन चर्चा की गई। जोशी सर द्वारा प्रोजेक्ट कार्य के बाद पीपीटी के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया और प्रशिक्षणार्थियों के से सुझाव लिए गए और इन सुझावों को बोर्ड में शामिल किए जाने का वादा किया गया। प्रथम प्रश्न पत्र निर्माण मूल्यांकन पद्धति पर चर्चा की गई। इस उपरांत डॉक्टर चंद्रशेखर जी द्वारा सत्र की समाप्ति की घोषणा की गई। And we have Dr. M.V. Srinivasan as a working speaker today. And I would like to ask Dr. Nishi Tarasya to present him as a mentor for this opinion. And we are here. रखने के लिए मेरे पास शब्द उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे। सर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस NCERT में जो है कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अपॉइंट है और सर का जो एक्सपीरियंस है या जो उनका स्पेशलाइजेशन या एरिया है वो करिकुलर डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ प्रोग्राम और इकोनॉमिक्स एजुकेशन। सर के बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड एरिया हैं जहाँ पर सर के द्वारा लगातार अपने कामों को नेशनल लेवल पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वर्तमान में सर के द्वारा जो कि 6 मंथ का शायद कोर्स भी लॉन्च किया गया है जिसमें जो कि टेक्स्ट बुक राइटिंग पर जो हमारे विद्यालय के शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आपको कैसे टेक्स्ट बुक की राइटिंग को परफॉर्म करना है। तो जो भी पार्टिसिपेंट नेशनल लेवल पर इंटरेस्टेड थे वो लोग लगातार उस कार्यक्रम में जो है कि शामिल हो रहे हैं और यदि आप लोग भी टेक्स्ट बुक राइटिंग के प्रक्रिया में अपने आप को शामिल करना चाहेंगे या एस्केलेट करना चाहेंगे तो सर डेफिनेटली उस पर आपका जो भी सहयोग करेंगे। दूसरी बात सर के द्वारा जो है और अलग अलग सोसाइटीज़ में भी सर एक मानव विकसित सदस्य के रूप में जो कि कार्यरत है। सर के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय मम्मी पापा को यहाँ नहीं बोलेंगे नहीं। डेवलप कर सकते हैं और ऐसे भी मानिए कि एक ओवरव्यू हमें मिलता है कि कहाँ क्या चीज़ें हैं और हमें और क्या उस पर एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसी क्रम में मैं हमारे बीच इसमें 5 ग्रुप हैं तो 5 ग्रुप से मैं एक एक सदस्य को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। यहाँ आ जाइए और हमारे बीच जो वासुदेवन साहब हैं कि हमें अभी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस डेवलप करना है और लास्ट सेशन को जो हमने बीच में छोड़ा था उसे कंटिन्यू करना है। तो हमारे पास अभी जो समय है उस पर हमारे बीच जो वासुदेव साहब जुड़े हुए हैं उनसे पहले हम उनका प्रस्तुतिकरण देख लेते हैं फिर जो क्वेरी होगा उस क्वेरीज को हम लोग जो है कि एक एक करके ले लेंगे। फिर हमारे पास जो समय होगा कि हम प्रोफेसर श्रीनिवासन साहब के पास चलेंगे और उनके निर्देशन में गाइडलाइंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव में ध्यान दें तो सबसे पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट लर्न्ड इन क्लास 11th 12th। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्रोजेक्ट का टॉपिक देते हैं मैं हूँ आप में से बहुत सारे सब टीचर हैं हम क्या करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं 2 बच्चों का 3 बच्चों का डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास और अलॉट कर देते हैं। ये सबसे पहले मिस्टेक है नाम लगा। हमें ये देखना है सबसे पहले कि बच्चे को किस पर्टिकुलर टॉपिक में सिलेबस में बहुत वाइड है चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो दोनों में प्रोजेक्ट बनते हैं हम लोग 11th में बनाते हैं बच्चों से प्रोजेक्ट ताकि उनको एक्सपीरियंस हो कि 12th में उन्होंने फर्दर कैसे बनाना। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो 11th में नहीं बनाते हैं या कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बहुत कॉमन सिंपल प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं
मैं कहीं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कोई खराब है या अच्छा है, एक डिफरेंस बता रहा हूँ। मैं अपने स्कूल का बता सकता हूँ, जिन स्कूल में मैंने काम किया या जिस तरीके से मैं मुझे समझता हूँ, ठीक, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी से। हम इलेवेंथ में इसलिए इंसिस्ट करते हैं एक प्रॉपर सिस्टम को, ताकि बच्चे को इलेवेंथ में ही एक्सपीरियंस हो जाए। जैसे कि हम बहुत कॉमन टॉपिक्स लेते हैं जिसमें जो भी बच्चे ने पढ़ा है उसको वो अप्लाई कर सके, चाहे वो स्टैट्स का पार्ट हो और चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो। जैसे ये हमारा सिलेबस है उसमें नॉर्मली क्या हो, मैं बच्चे को ये बोलता हूँ कि आप किसी भी 10 घर में जाके ये पता करिए कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ब्रांड यूज बाय द 10 हाउस होल्ड। क्वेश्चन प्रिपेयर करेगा बच्चा, सर्वे करेगा, रिकॉर्ड करेगा, उसे पता लगेगा इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, शेड्यूल क्या बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, आंसर्स को कैसे रिकॉर्ड करा जाता है, उन सबको अरेंज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, फिर उसके बेस पे चाहे वो ग्राफ प्रेजेंट करे चाहे वो टेबुलर फॉर्म में उसको प्रेजेंट करे। तो यही उसने जो सीखा थ्योरेटिकल उसी को हमें प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना, ताकि उसको उस एक पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत डीप नॉलेज हो जाए जिसमें उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए और जिसमें उसका कमांड हो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उत्पादन में वृद्धि या ह्रास, वृद्धि माने वृद्धि और ह्रास माने निवेश, दोनों